स्पाइडरमैन नो वे होम स्पाइडरमैन के 5 सुपर विलन्स को दिखा चुकी है, लेकिन अब नो वे होम के बाद सबसे पहला सवाल यही आता है कि स्पाइडरमैन की अगली मूवी यानी स्पाइडरमैन 4 के अंदर स्पाइडी का मेन विलन कौन होने वाला है। नो वे होम ने जहां पिछले दोनों स्पाइडरमैन को एक परफेक्ट एंडिंग दी है, वहीं उसी मूवी की एंडिंग के साथ एमसीयू स्पाइडरमैन की लाइफ का एक बड़ा चैप्टर भी स्टार्ट हो चुका है, जहां उसके पास ना तो आयरन मैन का टैग है और ना ही कोई हाई एडवांस सूट। वो अब एग्जैक्ट उसी जगह पर आ चुका है जहां पर स्पाइडरमैन को होना चाहिए, यानी वो एक बार फिर से स्ट्रीट लेवल क्राइम से डील करने वाला फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बन चुका है। और इसीलिए अब स्पाइडरमैन के एक ऐसे विलन को दिखाने की जरूरत है जो कि खुद भी एक स्ट्रीट लेवल क्रिमिनल हो। तो इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम उन अपकमिंग विलन्स की बात करेंगे जो कि अब हमें स्पाइडरमैन 4 के अंदर दिखाए जा सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा अंत तक जरूर देखें। पर अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी किसी भी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा लें। तो अब बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किंग पिन हॉकाई सीरीज में दिखने के साथ ही किंग पिन अब एमसीयू का पार्ट बन चुका है और इसीलिए अब जल्दी इसका सामना स्पाइडी से भी होने वाला है। स्पाइडरमैन होमकमिंग से लेकर स्पाइडरमैन नो वे होम तक स्पाइडरमैन का कोई भी विलन उसका विलन नहीं था, क्योंकि जहां वल्चर और मिस्टीरियो बेसिकली आयरन मैन के विलन थे, वहीं नो वे होम के अंदर दिखाए गए सारे विलन पिछले स्पाइडरमैन के विलन थे। और इसीलिए एमसीयू स्पाइडरमैन के अगेंस्ट अब एक ऐसे विलन को दिखाने की जरूरत है जो कि सचमुच में स्पाइडरमैन का विलन हो और वो स्पाइडरमैन से नफरत करे और उसे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करे। और बात करें किंग पिन की, तो किंग पिन एक रिच पर्सन है जो कि अंडरवर्ल्ड क्राइम्स करवाता है, और क्योंकि एवेंजर्स बेसिकली दुनिया के बड़े खतरों का सामना करती है, इसीलिए किंग पिन बिना ज्यादा फिक्र के अपने स्ट्रीट लेवल क्राइम्स को अंजाम दे सकता है। और इसीलिए न्यूयॉर्क सिटी के लोगों को एक ऐसे सुपर हीरो की जरूरत पड़ेगी जो कि उन्हें इन स्ट्रीट लेवल क्राइम से प्रोटेक्ट कर सके, और उनकी इसी जरूरत को पूरा करेगा हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। और ये तो हम सभी जानते हैं कि स्पाइडरमैन इन सभी स्ट्रीट लेवल क्राइम से डील करने के लिए एक परफेक्ट सुपर हीरो है। अब यहाँ पर जो लोग ये सोच रहे हैं कि किंग पिन हॉकाई सीरीज के फाइनल एपिसोड में माया के हाथों मारा जा चुका है, तो उन्हें मैं बता दूं कि किंग पिन को शूट करने वाला इस सीन डायरेक्टली कॉमिक्स से लिया गया है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर भी एक पॉइंट पर एको यानी माया लोपेज किंग पिन को गन पॉइंट पर खड़ा कर देती है और उसके फेस पर गोली चला देती है। लेकिन आगे चलकर ये रिवील होता है कि उस अटैक की वजह से किंग पिन मरा नहीं था, बल्कि उसकी सिर्फ आंखें डैमेज हुई थी, और उसके बाद किंग पिन अपनी आंखों की सर्जरी करवाकर उन्हें फिर से ठीक करवा लेता है। और इसीलिए मैं भी श्योर हूँ कि एमसीयू के अंदर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। साथ ही यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि स्पाइडरमैन की मूवी के अंदर किंग पिन से लड़ने में डेयरडेविल स्पाइडरमैन के साथ टीम अप कर सकता है, बट स्पाइडरमैन और डेयरडेविल का टीम अप होना पर्सनली मुझे पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि डिज्नी प्लस की अपकमिंग सीरीज एको के अंदर डेयरडेविल को भी कंफर्म कर दिया गया है, जहां वो मोस्ट प्रोबेबली किंग पिन से लड़ने में माया की हेल्प करेगा, और इसीलिए डेयरडेविल के स्पाइडरमैन के साथ दिखने का ज्यादा कोई सेंस नहीं बनता। हॉबगॉब्लिन, तो अगर एमसीयू स्पाइडरमैन 4 के अंदर किंग पिन को नहीं भी दिखाता है, तब भी एक दूसरा ऐसा विलन है जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर फिट बैठता है, और उस विलन का नाम है हॉबगॉब्लिन। हॉबगॉब्लिन स्पाइडरमैन के मोस्ट पॉपुलर विलन्स में से एक है, और अब एमसीयू के अंदर हॉबगॉब्लिन को दिखाना मार्वल के लिए एक इंटरेस्टिंग चॉइस हो सकती है। हॉबगॉब्लिन दिखने में ग्रीन गॉब्लिन की तरह ही है और इसका कलर ऑरेंज है, लेकिन ये ग्रीन गॉब्लिन की तरह क्रेजी नहीं है, बल्कि ये अपने सारे अटैक्स को वेल प्लान तरीके से करता है और अपने सभी क्राइम्स को बहुत ही स्मार्टली अंजाम देता है। नो वे होम के अंदर हमने अभी अभी ग्रीन गोब्लिन को देखा है, इसीलिए एमसीयू के अंदर इतनी जल्दी फिर से एक ग्रीन गोब्लिन को इंट्रोड्यूस करने की पॉसिबिलिटीज काफी कम है, और इस वजह से भी हॉबगॉब्लिन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जिस हॉबगॉब्लिन के एमसीयू में दिखने के चांसेस सबसे ज्यादा है वो है रॉडरिक किंग्सली। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग पीटर के दोस्त नेड को हॉबगॉब्लिन बनते हुए देखना चाहते हैं, और कॉमिक्स के अंदर ऐसा हुआ भी है, लेकिन बात करें एमसीयू की तो अभी के वक्त में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मार्वल नेड को हॉबगॉब्लिन बनाने वाला है। पीटर का दोस्त नेड स्पाइडरमैन की तीनों मूवीज में दिख चुका है, और अब नो वे होम के साथ मार्वल नेड को एक एंडिंग भी दे चुका है, इसीलिए ऐसे में अब इस कैरेक्टर को एज अ विलन दिखाना मुश्किल लगता है। और वहीं बात करें रॉडरिक किंग्सली की, तो रॉडरिक किंग्सली एक रिच और वेल्दी बिजनेसमैन है, लेकिन इसके साथ ही वो एक क्रिमिनल भी है जिसने अपने क्रिमिनल एम्पायर को बिल्ड कर रखा है, और वो अपने रिच बिजनेसमैन की इमेज का यूज करके सीक्रेटली अपने क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड को रूल करता है। और ऐसे में जब स्पाइडरमैन किंग्सली के क्राइम एक्शंस के बीच आकर उन्हें रोकने की कोशिश करेगा, तब किंग्सली स्पाइडरमैन को पर्सनली अपना दुश्मन बना लेगा और उसे रास्ते से हटाने के लिए हॉबगॉब्लिन बनकर सामने आएगा, जिसके बाद वो अपने शार्प माइंड का यूज करके पहले स्पाइडरमैन के बारे में पता लगाएगा और फिर उसकी सारी वीकनेस का फायदा उठाकर उसे कमजोर करेगा। पर खुद स्पाइडरमैन से फाइट करने से पहले किंग्सली दूसरे विलन्स को भी हायर कर सकता है, जैसे कि स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन को स्पाइडरमैन होमकमिंग में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, और अब शायद उसे स्पाइडरमैन के अगेंस्ट दिखाने का सही वक्त आ चुका है। लेकिन जिस विलन के दिखने के चांसेस स्कॉर्पियन से भी ज्यादा है वो है ब्लैक कैट। ब्लैक कैट को लेकर तो रूमर्स काफी वक्त से चल रहे हैं,
और सोनी स्टूडियो तो ब्लैक कैट के ऊपर एक सोलो मूवी बनाने का प्लान भी कर रहा है। पर अब लगता है कि एमसीयू अपनी ब्लैक कैट को स्पाइडरमैन 4 के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकता है और स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है कि किंग्सली ही ब्लैक कैट को हायर करे ताकि वह स्पाइडी के क्लोज होकर उसके सीक्रेट्स को जान सके। ब्लैक कैट एके फिलिशिया हार्डी एक इनक्रेडिबल एंटी हीरो है जिस वजह से यह स्पाइडरमैन 4 के लिए काफी फिट बैठती है। कॉमिक्स के अंदर भी स्पाइडरमैन और ब्लैक कैट के बीच कॉम्प्लिकेटेड रोमांस स्टोरी रह चुकी है। और बात करें एमसीयू की तो अब स्पाइडरमैन 4 के अंदर स्पाइडरमैन भी अकेला पड़ चुका है और उसे भी एक लव इंटरेस्ट की जरूरत है। इसीलिए ऐसे में ब्लैक कैट स्पाइडरमैन की इस नीड को फुलफिल कर सकती है जिसमें वो पहले तो स्पाइडरमैन की फ्रेंड बनकर उसके क्लोज आएगी पर आगे चलकर ये रिवील होगा कि वो असल में स्पाइडरमैन की एनिमी है जो कि हॉबगोब्लिन के लिए काम करती है। वेनम एमसीयू की स्पाइडरमैन 4 पीटर के डार्क साइड के बारे में भी बहुत कुछ शो करेगी। पीटर पार्कर अपने सभी दोस्तों से अलग हो चुका है, बिल्कुल अकेला पड़ चुका है और अपनी आंट में को भी हमेशा के लिए खो चुका है। इसीलिए अब जब स्पाइडरमैन किसी भी क्रिमिनल से फाइट करेगा तो उसे हमेशा वही चेहरा सामने दिखेगा जिसने उसकी आंटी की जान ली है। और जब स्पाइडरमैन खुद पर से कंट्रोल खोने लगेगा और अपने विलन्स को रोकने में फेल होने लगेगा तभी एंट्री होगी वेनम की। यानी इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर वेनम सिम्बियोट स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम से बॉन्ड हो जाएगा जिसके बाद स्पाइडरमैन को उसका ब्लैक सिम्बियोट सूट मिलेगा। ये नया ब्लैक सूट पीटर को कुछ कमाल की पावर्स देगा। इस सूट की वजह से पीटर का स्ट्रेंथ एनहेंस हो जाएगा, उसकी स्पीड पहले से इंक्रीज हो जाएगी और वो बिना किसी वेब शूटर्स के भी वेब्स को शूट कर पाएगा। लेकिन इन सब के साथ ही वो सिम्बियोट पीटर के गिल्ट और उसके गुस्से पर फीड करने लगेगा और वो पीटर को और भी ज्यादा ब्रूटल और केयरलेस बनाने लगेगा जिस वजह से वो अपने विलन से फाइट करते वक्त उनकी जान लेने तक की कोशिश करने लगेगा। पर फॉर्चुनेटली आगे चलकर स्पाइडरमैन को अपने अंदर होने वाली चेंजेस के बारे में पता लगेगा जिसके बाद उसे खुद की इन मेंटल सिचुएशन को भी फेस करना पड़ेगा। एमसीयू के लिए हम ये कह सकते हैं कि वो स्पाइडरमैन 4 के अंदर उन मिस्टेक्स को नहीं दोहराएंगे जो कि सोनी स्टूडियो ने स्पाइडरमैन 3 में की थी। यानी कि एमसीयू स्पाइडरमैन 4 के अंदर ही वेनम सिम्बियोट का स्पाइडरमैन से सेपरेट होना और स्पाइडरमैन और वेनम का फाइट सीन दिखाने जैसे मिस्टेक्स नहीं करेगी क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। इसीलिए एमसीयू स्पाइडरमैन और वेनम के बैटल को स्पाइडरमैन 5 या फिर दूसरी किसी अपकमिंग मूवी के लिए सेटअप करेगा। तो यही वो कुछ विलन्स थे जिनके स्पाइडरमैन 4 के अंदर दिखने के चांसेस सबसे ज्यादा है। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से स्पाइडरमैन का अगला विलन कौन हो सकता है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में अपने पसंदीदा टॉपिक्स के बारे में बता सकते हैं। जिस टॉपिक पर सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे हम उस टॉपिक को जरूर कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आप स्पाइडरमैन के फैन हैं और आप तीनों ही स्पाइडरमैन में से बेस्ट स्पाइडरमैन को जानना चाहते हैं तो आप हमारी हु इज द बेस्ट स्पाइडरमैन वाली वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पाइडरमैन के सूट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमने टॉप 10 मोस्ट पावरफुल स्पाइडरमैन सोर्स पर भी एक वीडियो बना रखी है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।